नमस्कार सब, दिल्ली वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी को लेके। पिछले दिनों क्या है, इन्होंने बांग्लादेशियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो एक तरीके से वो भारत के नागरिक हुए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना, जो मुसलमान थे वहां चले गए दोनों अपनी अपनी कंट्रीज में, जो वेस्ट बंगाल से गए वो मुसलमान, जो बंगाली मुस्लिम थे वो उस साइड चले गए, इस पाकिस्तान में वेस्ट में वेस्ट वाले चले गए, कुछ यहाँ रह गए जो कि पहले से भी हमारे यहाँ पे चलो चल रहा है, लायबिलिटी बने हुए हैं, लेकिन उनको तो हमें झेलना ही झेलना है। अब ये जो बात है, जो बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद बांग्लादेशी भी काफी चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं थी या एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ये इलीगल तरीके से इंडिया में आए, और इलीगल तरीके से आने के बाद इनको बांग्लादेशियों को कम्युनिस्टों ने इनको सपोर्ट दिया, इनको यूज किया, क्योंकि इलीगल तरीके से आए तो इलीगल काम भी करने को तैयार थे। इन्होंने इलीगल काम किए, गुंडाइज्म फैलाया, इनके साथ दूसरे भी इंडियन के मुसलमान साथ मिल गए, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बड़े साल तक रही। मुझे पता है किस हिसाब से ये कम्युनिज्म ला करके लोगों को बिजनेस नहीं करने देते थे, काम नहीं करने देते थे। ममता बनर्जी ने बड़ा शोर मचाया कि जो बांग्लादेशी आए, जब पार्लियामेंट के एमपी की एमपी थी और कांग्रेस की जब ये लीडर थी उस टाइम में, कि बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए। उसके बाद ये किसी ना तरीके से मैनेज करके, मैं उसको बड़ी कांग्रेचुलेशन देता हूं इस बात की कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से कम्युनिस्टों को हटा करके आप पावर में आई, अच्छी बात थी। लेकिन ये धीरे धीरे ये कम्युनिस्टों जैसे करप्ट हो गए, जो कम्युनिस्टों का एजेंडा था इसने पकड़ लिया, जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे वो ममता बनर्जी के साथ लग गए, और ये बेसिकली इसने जो पिछले कुछ सालों से वहां दिखाया, अपना रूप दिखाया, इसने ओपन दिखा दिया है कि मैं सपोर्ट करती हूँ मुसलमानों को, हिंदुओं को यहाँ पूजा नहीं करने देती, जो उनके जो भी पूजा वो होता है उसमें कहेंगे आप विमर्शन नहीं करेंगे, और इसलिए कि ताकि मुस्लिम डिस्टर्ब ना हो। इसका जो अब एजेंडा है, इसने अगर कहा है कि बांग्लादेशी जो आए हैं, भाई सीधी बात है, इसने एडमिट कर लिया बांग्लादेशी आए, और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये, इनको इलीगल तरीके से इनको वोटर आई कार्ड बना दिए गए, क्योंकि इनके पॉलिटिकल लिंकेज इनके साथ करप्शन देकर के, पैसे देकर के बने, और यहाँ पे वो रह रहे हैं, और यहाँ पे रह करके ये हमारे देश का खाना खा रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के लोगों की, ये 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आए हुए हैं, हमारे लोगों की ये एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं, और दूसरी बात है ये वायलेंस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके बेसिकली जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, इनकी कोई बेसिक वो नहीं है कि फैमिली की बात है, जहां आया वहां पे अपने रेप कर दिया, जहां पे कुछ किया, तो जिससे कि एक जो हिंदू जो पीसफुल माइनॉरिटी है, वो मेजोरिटी है, वो डिस्टर्ब हो रही है, और उनकी फैमिलीज हैं तो वो सिस्टम से तरीके चलते हैं, इनका तो कल्चर ही ऐसा है कि रेप वायलेंस और सब कुछ चोरी चकारी ये काम है, और ममता को ये जो गुंडे मिले हुए हैं इसी की वजह से आज वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, और इसलिए उनको ये सपोर्ट करे जा रही है। जिस तरीके से अमित शाह अभी रिसेंटली गए थे वहां पे, एक इन्होंने रैली किया है, उसमें इन्होंने सीएए पे भी जोर दिया है, लेकिन उसके इसमें एक जवाब आया है ममता बनर्जी का। वो बोल रही है कि देखिए मैं सीएए यहाँ पे लागू नहीं होने दूंगी, जब ये ऑलरेडी यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, सारा कुछ है, तो इनको नए आवेदन करने की जरूरत क्या है। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोला है कि ये जिस तरीके से यहाँ पे मैं वो दिल्ली नहीं बनने दूंगी, इसका क्या मतलब? भाई दिल्ली क्या नहीं बनने देगी, तुमने सत्यानाश कर रखा है। दिल्ली में तो एक इंसिडेंट हो गई, केजरीवाल पावर में आ गया तो सारा सत्यानाश कर दिया, दिल्ली में वायलेंस बना दी, बाहर से लोग लाके वायलेंस कर दी। तुम बेसिकली, तुम्हारा एक नेशनल कैरेक्टर तो है ही नहीं। मैं सिंपल सी बात कहूं, आज जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है मेनली नेशनल कैरेक्टर वो खो चुकी है, उनको सिर्फ एक यहां मुसलमान नजर आते हैं, मुसलमान इसलिए नजर आते हैं कि उनको पावर में बैठना है, उनकी वोट चाहिए, कंसोलिडेटेड वोट मिलती है, और दूसरी बात है उनके थ्रू वायलेंस करा करके वहां के जैसे लोग रहते हैं, इवन कलकत्ता के अंदर लोग रहते हैं, उनकी सोसाइटीज के बाहर ये ताला लगा देते हैं, तो अगर लोग वोट न डालने जाए। और ये ममता ये सोच रही है कि ये कोई यहाँ पे फतवा लिखवा के आई है कि सारी जिंदगी बैठी रहेगी। दिल्ली में गलती हो गई, दिल्ली में कुछ ऐसी गलतियां हो गई दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी वालों ने बीजेपी को धोखा दिया। मैं आज बड़ी क्लियर सी बात में कहूंगा, और मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को समझ आ गई हो, आरएसएस को स्पेशली समझ आ गई हो, कि हमने भी अगर सर्वाइव करना है तो ये मोदी गवर्नमेंट बैठी है जिसकी वजह से सर्वाइव करेंगे, और हिंदुओं को भी समझ आ गई हो कि हमको बेसिकली अगर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि दिल्ली में सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं था, लेकिन बांग्लादेश में एक जो वेस्ट बंगाल में सेफ्टी सिक्योरिटी इशू बना हुआ है, दिल्ली में इनसे हम यहाँ पे वायलेंस नहीं कर पाते थे, एक वायलेंस कर लिया, आप देखिएगा इनका भी क्या हाल होता है, मैंने दूसरी भी जगह इंटरव्यू दी है, तो इनका बेसिकली दिल्ली में जिन्होंने वायलेंस किया है उनके भी बुरे हाल होंगे अगर यहाँ पे जैसे लोग पकड़े जाएंगे और गवर्नमेंट फ्री होकर के इनके खिलाफ एक्शन करेगी, और ममता बनर्जी भूल जाए बात कि जो दिल्ली में हो गया वो होगा, और जो दिल्ली में जैसे लोग गलती कर गए यहाँ पे बिठा करके, एंटी नेशनल्स लोगों को यहाँ पे पावर में बिठा दिया, वहां पे लोग गलती नहीं करेंगे, बहुत भुगत चुके हैं, पहले कम्युनिस्टों से भुगतते थे, ममता बनर्जी से भुगतते हैं,
तो ये ममता बनर्जी भूल जाए और जिस दिन ये पावर में जाएगी चाहे ये होने ना दे, लेकिन ये तो सीएए तो इम्प्लीमेंट होगा, इसकी वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बांग्लादेशी यहां से 1.5 करोड़ हमको निकालने पड़ेंगे, रोहिंग्यास भी निकालने पड़ेंगे। चलिए जिस तरीके से ये मान लीजिए कि बोल रही हैं ममता जी वहां पे कि ये ऐसा है, डायरेक्ट धमकी दे रही हैं, बोल नहीं रही हैं, ये डायरेक्ट धमकी दे रही हैं अमित शाह जी को कि ऐसा है कि ये बेसिकली दिल्ली नहीं है, ये बंगाल है, इसका क्या मतलब समझा जाए? दिल्ली में बेसिकली ये सोच रही है, दिल्ली में क्योंकि वेस्ट बंगाल में पावर में बैठी है, गुंडागर्दी करती रही है। दिल्ली में तो अभी हुई है गुंडागर्दी, जब से केजरीवाल आए और आखिरी में जो इलेक्शन हुआ उन्होंने गुंडागर्दी कराई, बाहर से लोग बुला के कर दिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस टाइम बहुत तैयार भी होगी और लोग भी तैयार होंगे कि ममता को काउंटर करने के लिए, और ये इसलिए बोल रही है कि वहां पे पावर में बैठी है आज। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बेसिकली अब जीत पाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने जैसे कुछ इश्यूज हैं अपने उनको हाईलाइट नहीं किया सीए को छोड़ करके, और उसके बाद जो अभी जो इश्यू आ रहा है मेरे ख्याल में राम मंदिर का इश्यू है, अप्रैल से अच्छे से उठेगा और इसका देश में पूरा हाहाकार होगा, पूरे देश में इसका शोर मचेगा। और जिस हिसाब से लोगों का अपना जो रिलीजन है, जैसे मुस्लिम अपना रिलीजन जगाते हैं, हमारा रिलीजन एक दोबारा से उठेगा और हम इसको ममता बनर्जी को अच्छे से काउंटर करेंगे। हम भी एक सोच रहा हूं, मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करने की, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो जगह जगह जाकर के हिंदुओं की रक्षा के लिए करे और उसका सपोर्ट करे। और अगर मुझे लगता है कि आरएसएस को भी शायद समझ में आ गई हो तो ये भी अगर ओपन में आएगी, और ममता कोई ऐसे इनविंसिबल नहीं है, उसको पहले हिल चुकी है, इतना उसको ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं मिला था कभी जो बीजेपी से आज मिल रहा है। और अब यहां जो दिल्ली में एक जो गलती हो गई वो दोबारा मुझे नहीं लगता कि ना लोग यहां रिपीट करेंगे और ना ही यहां पे गवर्नमेंट के जो जिन लोगों ने यहां पे सपोर्ट नहीं किया उसके हिसाब से अब वो लोग भी अपनी गलती का एहसास होगा उनको, और ममता बनर्जी को यहां से हटाया जाएगा। इसके हटने से एक बहुत बड़ा एक इश्यू होगा जो देश की में और वेस्ट बंगाल में लोगों को रिलीफ मिलेगा। जिस तरीके से एक बीजेपी ने भी एक कदम उठाया है, उन्होंने ये बोला है कि हम पूरे देश में हर स्टेट में हम अपना एक ऑफिस खोलेंगे, वहां के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस कदम से क्या लगता है बीजेपी कितनी मजबूत होगी? देखिए ऐसी बात नहीं कि बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी अच्छी मजबूत पार्टी है, तो क्योंकि साफ सी बात है जो पीएम मोदी ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो उन्होंने जो देश के लिए किया है, क्या पिछले उसमें उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर किया है, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी उन्होंने, और अब क्या है कि कुछ देश विरोधी ताकतें यहां पे काम करने लगी हुई हैं, 370 हटाया उन्होंने, बाकी सीए का इम्प्लीमेंटेशन है, इल्लीगल लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा, वो हटाएंगे। तो उसके साथ साथ देश की मतलब ये गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है कि अब जो है आदमी अपनी शायद पिछली एक इलेक्शन हार करके इन्होंने कुछ खास नहीं उस तरफ ध्यान दिया कि क्यों हारे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि हम क्यों हारे हैं, और इंटरनल जो इनके लोग हैं जो इनके अगर नहीं हटेंगे, अभी तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में दूर है, जो नहीं हटेंगे, जो इनके यहाँ मिनिस्टर बैठे हैं जो आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका नाम एक्सपोज करेंगे। क्योंकि सेम मैं आपको आज बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पावर में थे, उनके एक मिनिस्टर ने, वो मिनिस्टर को बनना चाहते थे पीएम, उनको सेबोटाज किया। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में इलेक्शन नहीं हारते, मैं आपको जरूर इस चीज का खुलासा करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर मुझे होता उनका नाम भी एक्सपोज करूं, ताकि ये फ्यूचर में सोच लें कि जो लोग भी वो ना पीएम बने ना बनेंगे। और यहां पे भी जो बीजेपी का एक जो मिनिस्टर मेन पर्टिकुलर मैं कह रहा हूं, अगर वो सोचते हैं कि उनको आज कैंडिडेट बन जाएंगे पीएम के और उनको लोग सपोर्ट करेंगे तो भूल जाएंगे, किसी को दे देंगे लेकिन ऐसे दारों को लोग वोट नहीं देंगे। एक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी अमित शाह के ऊपर कटाक्ष किया है कि यदि मान लीजिए कि सीएए से किसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुसलमानों को क्यों अलग रखा गया, ये सवाल है भाई। देखिए ऐसा है, ये चिदम्बरम का तो ये तो किसी बगैर हड्डी के आदमी है, टोटल करप्शन से लिप्त है, इन्होंने सब जगह इनका करप्शन में नाम आया, किस चाहे यहां से जो दूसरे जो ये भाग गए थे, जितने भी जाके बिजनेसमैन भाग गए थे, सबको चिदम्बरम ने पैसे लेके दिया है, और सारी करप्शन का एक ये सूत्रधार है, फ्रंट पर्सन है, जेल में भी काटा है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और साफ से क्रेडिबिलिटी तो कांग्रेस ने भी खो दी अपनी, क्यों इनके पास भी कुछ नहीं है। इन्होंने, मैं आपको आज एक बात बताऊंगा यहां से, कि इनके एक यहां पे एक सीनियर कांग्रेस फीमेल लीडर है जो एक आर्म्स एजेंट रहा है, तभी आप देखिएगा कि यहां कोई भी कांग्रेस के अंदर इन्होंने फाइनेंस उसकी डील नहीं की, डिफेंस की डील इसलिए डिफेंस की नहीं की क्योंकि वहां से कमीशन नहीं मिल रही थी, इसके वजह से सारी डील कैंसिल हुई जिसका देश ने नुकसान किया है। और दूसरी बात है कि चिदम्बरम साहब जो है ये बगैर क्रेडिबिलिटी के आदमी है, ये एक फालतू में स्टेटमेंट इश्यू करने वाले हैं,
इनको पता नहीं क्या प्यार आ गया आजकल मुसलमानों से कि पावर से हटके भी ये उसी पे लगे रहेंगे तो लगे रहे, लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि अब जनता जो अपनी गलती कर गई, जो दिल्ली वाले गलती कर गए और जो केजरीवाल से फ्री वी में इनको मिल गया वायलेंस, उससे दो को शायद समझ आ गई होगी केजरीवाल उनको क्या देने वाला है। और ममता को भी पता है कि अगर इलेक्शन जीत गई ये वहां पे लोगों को हिंदुओं को रहना मुश्किल कर देगी। लेकिन तीसरी बात मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट जो है इस पे और भी बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि जो हमारे सोर्स ऑफ फंडिंग है, जरूर है कि फंड आता है यहां पे इंडिया के अंदर ये जो डिस्टर्बेंसेस करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान फंड करता है थर्ड कंट्री के थ्रू, एक तरीका होता है करने का। तो ये जो चीजें सारी हैं गवर्नमेंट इसको एक टैकल करेगी, एक ताकि जो भी फंडिंग का जो सोर्स हमारा है पाकिस्तान है, डिस्टर्बेंस का जो सोर्स है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। जिससे और ये भी जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहा है तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को डायरेक्शन दिया जाएगा कि पाकिस्तान का जो इलीगल तरीके से जो काम हो रहा है उसको बंद किया जाए। पाकिस्तान में सिंपल बता दूं, एक इससे बहुत कम, जरूर उनकी आर्मी स्ट्रांग है, 8.5 लाख की उनके पास आर्मी है, और लेकिन दूसरी तरफ है जिसने आज पाकिस्तान को बांधा हुआ है, इस आर्मी को जिस दिन इकोनॉमी हमने खराब कर दी है, पानी रोकने की तैयारी दिसंबर इस साल से होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमको पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे नाखुश हैं, जो उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी जिनको मर्डर, जैसे हमारे यहाँ पे अभी हुआ है दिल्ली में राइटिंग हुई है, केजरीवाल ने कराई है, ऐसे राइटिंग पाकिस्तान में रेगुलर होती रहती है। दूसरी जो पंजाबी मुस्लिम को छोड़ के ये उनको रेगुलर मारते रहते हैं, रेप करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, सब कुछ, तो वो एक उनको हमारी गवर्नमेंट एक सपोर्ट करे ताकि पाकिस्तान की आर्मी भी वीक हो और उस दिन एक हल्की सी लात मारेंगे तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। चलिए आपने हमारे से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।